नमस्कार, निवास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ग्रेवी चिकन, जो कि बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की। फिर मैंने 1 kg चिकन ले लिया था, इसको मैंने अच्छे से धोकर पहले 1 घंटा पहले मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। मैंने इसमें काली मिर्च, हल्दी, नमक इनको और 1 नींबू का रस इनको लगाकर मैंने 1 घंटा पहले रख दिया था। तो ये अब हमारा चिकन तैयार है। अब हम लेते हैं 1 कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। मस्टर्ड तेल को बहुत अच्छे से पकाना पड़ता है जब तक इसमें से धुआं ना निकल जाए। अब इसमें ये 1/2 चम्मच जीरा, गैस का फ्लेम कम रखेंगे, ये तेज पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची हरे वाली, 2 लौंग और ये 6-7 काली मिर्च है। इनको थोड़ा सा चलाएंगे, जब ये हल्का सा भुन जाए फिर इसमें हम ये मैंने 2 बड़े प्याज हैं इनको मैंने मिक्सर में चला लिया है। अब ये हम इसमें डाल देंगे। अदरक और लहसुन है, इसको मैंने बारीक दरदरा पीस लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा जो लहसुन प्याज अदरक है ये हमें 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, हम इसमें ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था ये इसमें हम डाल देंगे सारा, और इसको 10 मिनट तक के हम फ्राई करेंगे। ये सारा चिकन मैंने इसमें डाल दिया है, अब 10 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए, ये 2 हरी मिर्च है इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया, ये हम इसमें डाल देंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब डाला है, आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि हमने इसमें मैरिनेशन करते हुए भी नमक डाला था, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया। अब इसको 2-3 मिनट फ्राई कर देंगे। तो ये 2-3 मिनट हो गया हमने मसाला डालने के बाद जो फ्राई किया है इसको। अब ये 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे, ये पानी थोड़ा गुनगुना है, ठंडा पानी ना डालें ताकि ये इससे जल्दी गलता नहीं है, फिर पकता नहीं है, इसलिए हल्का गुनगुना करके पानी तब डालें। ग्रेवी आप अपने हिसाब से, पहले इसको हम 10 मिनट ऐसे ही ढककर पकाएंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें ये 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और ये थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, ये भी इसमें मिला देंगे और इसको थोड़ी देर 1-2 मिनट और चला देंगे और बस ये तैयार है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दूंगी। देखिए चिकन हमारा एकदम रेडी हो चुका है, इस पे हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका है अंदर तक के और ये हमारा एकदम खाने के लिए रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।